हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उड़ीसा सीपीईटी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम हमने ऑलरेडी उड़ीसा सीपीईटी का जो क्वेश्चन पेपर है रिलेटेड टू 2020, 21 एंड 22 डिस्कस किया हुआ है जहा हमने 22 टू की सिर्फ आंसर की अपलोड की थी एंड 2021 पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है बट कुछ आंसर्स उसमें uh, गलत थे कुछ आंसर्स का एरर था जिसकी वजह से आज जो हम लोग सेशन ले रहे हैं उसमें ये तीनों ईयर के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे बैक टू बैक एंड सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अच्छा क्वेश्चन पेपर की जो कॉपी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है एज़ पर विच कॉन्सेप्ट बिज़नेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर एक बिज़नेस को उसके ओनर से कैसे अलग किया जाता है और क्यों अलग किया जाता है जैसे मान लो अगर हमने अपना आज बिजनेस स्टार्ट किया तो भाई हम ही तो ओनर है उसके बट स्टिल ये माना जाता है कि अगर आप अपने बिज़नेस से पैसा निकाल रहे हो अपने यूज़ के लिए पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राॅइंग है है ना एंड आप जो अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो उसको हम कैपिटल मानते हैं मतलब ये माना जाता है कि वो बिजनेस की लाइबिलिटी है और ऐसा होता है ड्यू टू तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड बाकी जितने भी अकाउंटिंग कन्सेप्ट अकाउंटिंग अजम्पन है सब पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास है रिलेटेड टू अकाउंटेंसी उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है तो ये जो बिजनेस को उसके ओनर से डिस्टिंग किया जाता है ये किया जाता है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट इज आई एफ आर एस का फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड दैट इज करेक्ट आंसर है ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इन ये तो हमें पता है इसके अलावा एक है आई जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल फॉलो किए जाते हैं उसके लिए नाम दिया गया है आई तो करेक्ट आंसर है ए नेक्स्ट द एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज़ कंज्यूम्ड विद इन वन ईयर इज नोन एज इस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर है जो एक्सपेंसेस एंड रिसीट है ये बेसिकली दो तरह की होती है एक रेवेन्यू नेचर की और एक कैपिटल नेचर की रेवेन्यू नेचर की जो भी खर्चे या रिसीट होते हैं ना वो विद इन वन ईयर कंज्यूम्ड हो जाते हैं मतलब वन ईयर के लिए होते हैं एंड उसको हम लोग कहां दिखाते हैं पीएल में दिखाते हैं जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड ऑफ पीएल में दिखाते हैं और रेवेन्यू रिसीट को हम क्रेडिट साइड ऑफ पीएल में दिखाते हैं बट अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंस दिखाते हैं बट कैपिटल एक्सपेंस दिखाते हैं असेट साइड क्यों क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि जैसे अगर मान लो आपने कोई असट खरीदा आज

वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन्फोर्सिबल नहीं होता है मतलब एज पर लॉ उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए नॉट इनफोर्सिबल एट ऑल नेक्स्ट विच इज ऑड वन आउट स्पेसिफिक गुड फ्यूचर गुड एज सर्टन गुड्स और अनऐसर्टन गुड्स देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं ठीक है वहाँ हमने ये बताया भी है कि अगर हम लोग स्पेसिफिक गुड की बात करें एज सर्टन की बात करें या अन एसर्टेंड की बात करें तो ये तीनों गुड्स रिलेटेड हैं एग्जिस्टिंग गुड्स से वो गुड्स जो ऑलरेडी बन करके रेडी है उसी में ये बाइफरकेशन पॉसिबल है बट अगर हम फ्यूचर गुड्स की बात करें तो फ्यूचर गुड मतलब जैसे आज आपने स्पेसिफिकेशन ले लिया आज आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया बट बनाते हो आप फ्यूचर में तो फ्यूचर गुड ऑड वन आउट है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग गुड से रिलेटेड नहीं है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन म्यूचुअल एजेंसी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट सेपरेट लीगल एंटिटी पहला तीन तो करेक्ट है क्योंकि अगर पहले तीन की बात करें तो ये एग्जिस्ट करता है पार्टनरशिप में बट अगर सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें क्योंकि जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी ही नहीं है वो क्या है वो वॉलेंट्री है मतलब आप चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ तो जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं तो आपको आपके पार्टनर से अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता मतलब फॉर्म को उनके पार्टनर से अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता क्लियर इसीलिए आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जब इन द आइज ऑफ लॉ आपको अलग से ट्रीट किया जाता है बट हम लोगों को पता है ना कि पार्टनरशिप फॉर्म को सिर्फ उनके पार्टनर से ही जाना जाता है तो करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट द एक्सेस ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल ओवर पेड अप कैपिटल इज कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस अंडर सब्सक्रिप्शन देखो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारा कॉल्ड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल से ज़्यादा है कॉल्ड अप कैपिटल क्या है ग्रेटर है पेड अप कैपिटल से इसका मतलब कंपनी को जो पैसा मिला है वो कम मिला है जितना उसने रिक्वेस्ट किया मतलब अगर मान लो अप है दस रुपये एंड अप है ओनली एट रुपीज तो आपने मांगा कितना दस रुपये और आपको मिला कितना आठ रुपये तो ये कॉल्स इन अरियर है ना जो बैलेंस मतलब अभी कम मिला है पैसा लोगों से तो ये क्या हो जाएगा कॉल्स इन अरियर तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड गो इन टू लिक्विडेशन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड सी लिमिटेड और ये किसका केस है एबजॉप्शन का एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का या एमेलगमेशन का देखो एब्जॉप्शन में ऐसा नहीं होता है एब्जॉपशन में क्या होता है कि जैसे मान लो दो कंपनियाँ ए लिमिटेड बी लिमिटेड यहाँ ए लिमिटेड एब्जॉर्ब करती है बी लिमिटेड को तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी तो एब्जॉर्प्शन तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ दो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है बंद हो रही है और एक नई कंपनी बन रही है तो ये अमेल्गमेशन होगा कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ये अमेल्गमेशन होगा क्योंकि एमालगमेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनी जब लिक्विडेट करती है बट एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जहाँ सिर्फ एक कंपनी लिक्विडेट होती है ओनली वन कंपनी क्लियर एंड हमारे पास क्लियरली मैंशन किया क्वेश्चन में कि ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दोनों ही लिक्विडेट करिए तो करेक्ट आंसर होगा सी एमालगमेशन नेक्स्ट माइनॉरिटी ऑफ सब्सिडरी कंपनीज इंटाइटल्ड टू कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट और बोथ जो माइनॉरिटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी होता है मतलब जैसे सब्सिडरी कंपनी है जैसे मान लो एक है एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडरी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी ने नाइनटी परसेंट होल्ड करके रखा है तो बाकी टेन परसेंट कौन हुए माइनॉरिटी हुए तो इनका जो हिस्सा है वो आप कहाँ दिखाते हो कैपिटल प्रॉफिट में नेक्स्ट अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ टू हंड्रेड मेबर्स ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है करेक्ट आंसर होगा डी टू हंड्रेड नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड बाय अगर एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें ना तो ये पब्लिक कंपनी को भी हेल्ड करना होता है प्राइवेट कंपनी को भी हेल्ड करना होता है बट वन पर्सन कंपनी को नहीं करना होता है एवरी कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी कि एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी हेल्ड करेगी एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी नेक्स्ट विच ओ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर एड शेयर देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैसे भी पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं कर सकती तो ट्रांसफर पर तो नो डाउट रिस्ट्रिक्शन है इट लिमिट्स इट्स मेंबरशिप टू टू हंड्रेड येस अगर वन पर्सन कंपनी की बात करें तो वहाँ एक ही पर्सन होता है एंड अदर देन वन पर्सन कंपनी जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वहाँ पर मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं ओनली टू हंड्रेड इट हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ वन लाख नो अगर हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो एट प्रेजेंट uh, कोई भी मिनिमम पेड़ अप शेयर कैपिटल की इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हाँ पहले थी वन लाख तक की बट अब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी ये भी करेक्ट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है करेक्ट आंसर होगा सी मिनिमम अप शेयर कैपिटल वन लाख का क्योंकि अब ये लिमिट हटा दी गई है नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग केपेबल एप्लीकेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट सेलेक्शन प्लेसमेंट ट्रेनिंग नो डाउट जब आप फाइंडिंग की बात करो मतलब लोगों को बुलाने की बात करो तो आप सिर्फ लोगों को इकट्ठा करते हो सो दैट तो उनमें तो से बेस्ट को सेलेक्ट कर सको और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ़ परफॉर्मेंस अप्रेजल रैंकिंग मेथड ऐसे मेथड मेंटरिंग और सेल्फ अप्रेजल रैंकिंग मेथड एंड ऐसे मेथड की बात करें तो ये ट्रेडिशनल मेथड है रिलेटेड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड सेल्फ अप्रेजल की बात करें तो ये हमारा मॉडर्न मेथड है रिलेटेड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल बट मेंटरिंग इसका पार्ट नहीं इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट लर्निंग बाय डूइंग इट सेल्फ इज नोन एज ऑप्शन देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप और वेस्टिबल ट्रेनिंग देखो वेस्टिबल ट्रेनिंग की बात करें तो ये एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट है और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि आपको ऑफिस बुला करके काम कराते हैं और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लर्न भी कराते हैं चीज़ें कि कैसे मशीन ऑपरेट करनी है एंड सो ऑन क्लियर तो करेक्ट आंसर होगा डी वेस्टिबल ट्रेनिंग दैट इज लर्निंग बाय डूइंग इट्स नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल ऑन बैंक डिपॉजिट इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज नो डाउट अदर सोर्सेज का ही पार्ट बनेगा एंड जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है मतलब इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट रिसीव करता है बैंक डिपॉजिट्स पे वो अप टू टेन थाउजेंड तक है अंडर सेक्शन ए टी ये नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और यही अगर सीनियर सिटीजन होता तो ए टी 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 बीमेस डिडक्शन मिलता क्लियर करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट एन इंडिविजुअल और एच एफ हैविंग इनकम फ्रॉम अ प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल देखो यहाँ पे आई भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ना ये बहुत रेलिवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई टी की बात करें तो ये उन रेसिडेंट्स के लिए है यह हम कह सकते हैं उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी इनकम लेस देन इक्वल टू फिफ्टी लैक्स हो और यह इनकम आपको कहां से अर्न हो रही हो चाहे सैलरी से पेंशन से हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस क्लियर मतलब आपकी इनकम फिफ्टी लाख से कम है और यह फिफ्टी लाख आप कहाँ से रहे करो आइडर सैलरी पेंशन हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तब आपको आईटीआर टी वन फाइल करना है आईटीआर टू हम लोग कब फाइल करेंगे जब हमारी इनकम फिफ्टी लाख से ज्यादा है या कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम है या आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है या कोई फॉरेन इनकम आ रही है फॉरेन असेट है ठीक है तो इन केसेस में आपको आई टू फाइल करना है आई टी थ्री कब फाइल करेंगे जब इंडिविजुअल और एच की इनकम होगी फ्रॉम अ प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन तो उस केस में उसको आई टी फाइल करना होगा क्लियर एंड आई टी आर फोर और फर्दर जितने भी आई टी आर है उनपे हम बहुत जल्दी एक डिस्कशन सेशन क्लास अपलोड कर देंगे सो so दैट आप बहुत ही ईजिली सारे पॉइंट्स लर्न कर पाओ नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज नो डाउट असेसमेंट ईयर एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड उसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नेक्स्ट प्रपोर्शनल अलॉटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इस कॉल्ड देखो यहाँ ना जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये इसके नहीं दिए हैं बेसिकली ये डेफिनेशन किसकी है ये डेफिनेशन है कॉस्ट अपोर्शनमेंट की अच्छा दो टर्म होता है एक तो होता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट और एक होता है कॉस्ट अलॉटमेंट तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो अगर हम कॉस्ट अलोकेशन की बात करें तो ये तब डील ये क्या डील करता है बेसिकली जब होल आइटम ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट का पूरा सारा आइटम आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तब हम उसको कहते हैं कॉस्ट अलोकेशन एंड कॉस्ट अपोर्शनमेंट तब यूज़ होता है जब प्रपोर्शन ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट हो और यहाँ पे देखो प्रपोर्शनल अलॉटमेंट बोला है मतलब प्रपोर्शन में जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो उसका नाम होता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट क्लियर एंड जब होल कॉस्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट अलोकेशन तो एज पर गिवन क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉस्ट अपोर्शनमेंट नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिफोर्स फ्रॉम ऑपरेशनल प्लानिंग एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोकसेज ऑन अब अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करें ना तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड की बात करता है क्लियर ऑप्शन देखते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ ऑप्शन एक्शन लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव शॉर्ट टर्म पर्स्पेक्टिव और सिंगल यूज़ प्लान देखो ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होता है तो नो डाउट वहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते वहाँ हम लोग कितने टाइम की बात करते हैं शॉर्ट टर्म दैट इज़ फॉर अ ईयर की बात करते हैं एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमेशा किस पे फोकस करता है लॉन्ग टर्म तो करेक्ट आंसर होगा बी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव नेक्स्ट विच ऑर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाय वेक्टर वूम करेक्ट आंसर होगा ए इंस्ट्रूमेंटैलिटी नेक्स्ट विच ऑर द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशूज इज़ सूटेबल इन द आइटम्स इन द टाइम्स ऑफ रेजिंग प्राइजेस देखो जब प्राइस बढ़ता है हमने पहले भी डिस्कस किया है प्राइस राइज के टाइम हम लोग लीफो यूज करते हैं क्लियर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लिफो ही आप प्रेफर करते हो क्यों क्योंकि उस केस में ना आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड है वो हाईएस्ट होता है और आपकी टैक्सेबल इनकम क्या आएगी लोएस्ट आएगी तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट अगेन देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट सेम क्वेश्चन दिया है, अब ऑप्शन करेक्ट दिया है तो करेक्ट आंसर होगा बी अपोर्शनमेंट क्लियर और यहाँ प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट ना पूछा होता होल अलॉटमेंट पूछता तब करेक्ट आंसर होता कॉस्ट अलोकेशन नेक्स्ट द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एस कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ टेन थाउजेंड इन टू ईर्यस एट द रेट ऑफ फोर परसेंट पर एन एम इज देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है एंड वहाँ हमने बताया भी है कि सिंपली आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे प्रिंसिपल वन प्लस आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड टू द पावर टी माइनस प्रिंसिपल अब मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है टेन थाउजेंड वन प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है फोर परसेंट और टाइमिंग है टू माइनस टेन थाउजेंड आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे देख लो हम एक बार बता देते हैं कि ये हो जाएगा हंड्रेड फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो फोर टू दी पावर टू पहले आप इसको सॉल्व करना फिर टेन थाउजेंड से इसको मल्टीप्लाई करना ये क्वेश्चन हम यहाँ बता दे रहे हैं बट कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास आप लोग देख लेना वन पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लाय टेन थाउजेंड तो जो आपकी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके वो आएगी टेन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटीन और उसमें से आप जब टेन थाउजेंड माइनस करोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा एट हंड्रेड सिक्सटीन दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगनल आर जीरोज एंड रेस्ट आर नॉन जीरोज इस कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स और मैट्रिक्स देखो यहां क्या कह रहा है कि जो लीडिंग डायग्नल है जैसे ये है ना लीडिंग डायगनल इसको छोड़ के बाकी वैल्यूज में क्या रहेगा नॉन जीरो रहेगा और इसमें डायगनल में क्या रहेगा जीरो क्लियर और क्योंकि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मान लो जैसे ये जीरो जीरो है ये फोर और ये वन है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम किसका नाम देते हैं ट्रांगुलर मैट्रिक्स क्लियर दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट एंड एन्यूटी विच इज पेबल फॉर एवर इज कॉल्ड एनुटी पर पीचुअल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर अवेलेबल इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में ओवरऑल चार अलाइनमेंट होते हैं लेफ्ट राइट सेंटर्ड एंड जस्टिफाइड दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा सी द डिफॉल्ट फोन साइज ऑफ एम एस एक्सएल एम एस एक्सएल की जो डिफॉल्ट फोन साइज है वो होती है इलेवन द शॉर्टकट की फॉर इस्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट इज अब स्लाइड शो के लिए कौन सा है एफ फाइव दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा डी Fixing high price to earn high profit at the early stage of a product is regarded as penetration pricing, skimming pricing. देखो starting में जब आप price high रखते हो uh, product, जब आप product market में introduce करो उस point of time पे जब आपने product की price आप high रख रहे हो, that आपको ज़्यादा profit starting में ही earn हो जाए, तो ऐसी pricing को हम कहते हैं skimming pricing. Next, which of the following is not covered under macro environment? Demographic है, economic है, political है, but supplier क्या है? Micro environment. तो correct answer होगा D. प्रोडक्ट अडाप्टेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एंडिविज नो एज आप इंडिविजुअल से पूछते हो कि आपको कैसे प्रोडक्ट की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको हम कहते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट मतलब एज पर कस्टमर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उस प्रोडक्ट को बनाया गया तो करेक्ट आंसर होगा बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेल्स मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखो एफ एम का जो मेन uh, ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना क्लियर तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूछा है करेक्ट आंसर होगा सी शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो किसकी फ्यूचर कैश फ्लो की तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग और जो इसका जस्ट रिवर्स है मतलब अगर हमें फ्यूचर कैश फ्लो की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना होता है प्रेजेंट वैल्यू से तब हम उसको कहते हैं कंपाउंडिंग तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा सी डिस्काउंटिंग नेक्स्ट द डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स बिजनेस साइकिल मार्केट कंडीशन डिविडेंड पॉलिसी करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस कि ये सारे ही डिटर्मिनेंट्स हैं वर्किंग कैपिटल के Which section of Companies Act 2013 provides for CSR, that is Corporate Social Responsibility, section 132, 133, 134 or 135? No doubt, अगर हम लोग CSR की बात करें, तो इसको define किया गया है section 135 में. क्लियर और ये भी बताया गया कि हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है टू कंप्लाई विद द सी एस आर प्रोविजन इन इंडिया और कंपनी को मिनिमम कितना स्पेंड करना होता है टू परसेंट मिनिमम ऑफ टू परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट ओवर द प्रीसीडिंग प्रिस ईयर एज सी एस आर इस पर ना हमने क्वेश्चन भी करवाया है बहुत जल्दी एक बार हम इस पर डिटेल एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे सो so दैट आप लोग इसके फॉर्मूले का भी एप्लीकेशन देख पाओ नेक्स्ट द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी दैट इज एन एफ आर ए इस प्रोवाइडेड बाय ये प्रोवाइड किया गया है बाय कंपनीज़ टू 2013 और किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 132 थर्टी टू दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी द काइंड ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होती है ना उसको हम लोग हमेशा किसका नाम देते हैं इंट्रीम ऑडिट का नेक्स्ट द जी एस टी एन हैज डैश डिजिट्स अब देखो अगर जीएसटीएन की बात करें तो ओवरऑल इसमें फिफ्टीन डिजिट्स होता है और इसका बाइफरकेशन अगर किया जाए तो अब देखो इस पंद्रह डिजिट में जो पहला दो कोड होता है वो स्टेट कोड होता है क्लियर जैसे मान लो डेली है तो डेली के लिए होगा जीरो सेवन फिर डिजिट्स होता है वो टैक्स पेयर के पैन को शो करता है फिर जो थर्टींथ डिजिट होगा वो होगा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट कि आप स्टेट में किस नंबर पर रजिस्टर्ड हो फोर्टीन डिजिट हमेशा Z होगा एंड जो लास्ट डिजिट होगा वो चेक कोड होगा मतलब वो कुछ भी हो सकता है आइर अल्फाबेट और नंबर बट वो चेक कोड होता है क्लियर तो करेक्ट आंसर होगा सी फिफ्टीन नेक्स्ट केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड द शेप ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक मतलब सिंपली क्या कह रहा है कि प्राइस कितना भी बढ़े या घटे बट उससे आपकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्लियर दैट इज डी इज लेस देन वन दैट इज ईडी टू जीरो क्योंकि डिमांड की बात कर रहे हैं तो यह क्या है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए और हम कह सकते हैं पैरल टू वाई एक्सेस द रेट एट विच फैक्टर्स कैन बी सब्सिट्यूटेड एट द मार्जिन विदाउट ऑल्टरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड मार्जनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन नेक्स्ट इनपुट्स इन अ गिवन प्रपोर्सन एंड द आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रपोर्शन इट इज अस ऑफ यह क्या कह रहा है कि अगर आपने इनपुट को हंड्रेड परसेंट से बढ़ाया तो आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है बट ओनली बाय हंड्रेड परसेंट तो ये एक किस तरह का रिटर्न टू स्केल है स्केट रिटर्न टू स्केल बट इंक्रीजिंग में ऐसा नहीं होता इंक्रीजिंग में अगर आपने इनपुट बढ़ाया हंड्रेड परसेंट तो आपका आउटपुट बढ़ेगा वन ट्वेंटी परसेंट एंड डिक्रीजिंग में क्या होता है कि इनपुट बढ़ाया हंड्रेड परसेंट तो नो डाउट आउटपुट बढ़ेगा बट ओनली बाय नाइंटी परसेंट क्लियर तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ मार्केट नो डाउट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्योंकि वहां पर क्या होता है कि अगर टूथपेस्ट मार्केट है तो सबका अपना अपना प्रोडक्ट है टेस्ट है पैकेजिंग एंड सो ऑन विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोनोपोली सिंगल सेलर होता है प्राइस मेकर होता है बैरियर्स भी होती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म्स में मतलब एंट्री एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शन है दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एंड इन डिफरेंस कर्व इज इन डिफरेंस कर्व की बात करें तो क्या ये स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है नो no. क्या ये पैरल टू एक्सेज एक्स एक्सेज होता है नो no. ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट इन ओलिगोपोली मार्केट अ किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स मान लो ये ओलिगोपोली डिमांड कर्व है तो ये हमेशा कैसे होता है किंग ये ओलीगुपोली मार्केट है तो इसमें कैसे बनता है किंग डिमांड कव किंग डिमांड कव मतलब टूटा हुआ और ये किसको शो करता है प्राइस की रिजिडिटी को ये ये बताता है ना कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाओगे तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको फॉलो नहीं करेंगे और उससे जो आपके कस्टमर हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर के पास और अगर आप प्राइस डिक्रीज़ करोगे तो उस केस में आपको कॉम्पिटिटर्स भी फॉलो करेंगे तो नो डाउट प्राइस तो डिक्रीज हो गई एंड जितने भी कस्टमर्स हैं वो बेसिकली क्या होगा कि वो तो शिफ्ट करेंगे नहीं क्योंकि बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज कर देंगे इसीलिए किंग डिमांड कर्व बनता है ड्यू टू प्राइस रेजिडिटी दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट विजो द फॉलोइ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है होमोजीनियस प्रोडक्ट है फ्री एंट्री एक्जिट है बट प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट हमेशा प्राइस टेकर होता है ना कि प्राइस मेकर मोनट्री पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेडेड बाय मॉनिट्री पॉलिसी को हमेशा आर बनाता है दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट डिस्पोजेबल इनकम कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज द एक्चुअल इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड नो इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल टैक्सेस डिस्पोजेबल इनकम मतलब जितना आपने खर्चा किया तो आप कितना खर्चा कर पाओगे जितना आपको मिलेगा नहीं उसमें से जब आप टैक्सेस पे कर दोगे तो जो आपके पास बैलेंस बचेगा ना वही तो डिस्पोजेबल इनकम होगी तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एक्सेप्ट पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्मेंट एक्सपेंडिचर नेट इंटरेस्ट और इम्पोर्ट देखो कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे आइटम हैं इज़ अ कम्पोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर अप्रोच एक्सपेंडिचर अप्रोच जो नेशनल इनकम मेजर करने का एक तरीका है उसमें पर्सनल कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यूज़ करते हैं इम्पोर्ट यूज़ करते हैं बट नेट इंटरेस्ट नहीं यूज़ करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट लीकेजेस फ्रॉम द इनकम एक्सपेंडिचर स्टीम रिफर्स टू अब लीकेजेस की बात करें तो इसमें सेविंग्स हैं टैक्सेस हैं एंड इम्पोर्ट्स हैं जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट अ डीप एंड प्रोलोंग रिसेशन इज कॉल्ड एज एक डीप की भी बात करो प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय तक जो रिसेशन चलता है उसको हम कहते हैं डिप्रेशन एंड इंक्रीज इन द प्राइज ऑफ रॉ मटेरियल कॉजिस डैश इन्फ्लेशन अगर रॉ मटेरियल की प्राइज़ बढ़ेगी तो उसकी वजह से किस तरह का इन्फ्लेशन होगा कॉस्ट पुश प्रॉफिट पुश इम्पोर्ट पुश और डिमांड पुल इसको हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस की बात कर रहा है रॉ मटेरियल के और रॉ मटेरियल मतलब क्या हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन इफ़ द कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स

डिवाइडेड बाय 124 ट्वेंटी फ़ोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इससे आप ये इजिली कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने से हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है 6.7 पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फोर बाय हंड्रेड तो ये आ रहा है 5.4 पॉइंट परसेंट एंड क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है तो होगा इन्फ्लेशन ऑफ 5.4 पॉइंट परसेंट नेक्स्ट अ न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड क्योंकि वो अभी अभी उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई है और अब वो जॉब के लिए देख रहा है तो ये किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है ये है फ्रिक्शनल क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा नेक्स्ट द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स टेकन फ्रॉम डैश इज ज़ीरो जब हम लोग x माइनस मीन लेते हैं अर्थमैटिक मीन और उसका सबमिशन करते तो वैल्यू हमेशा आती है जीरो और ये प्रॉपर्टी अर्थमैटिक मीन की हमने ऑलरेडी अपने सेकेंड चैनल पे डिस्कस की हुई है सी ए काजल डेरोलिया क्लियर तो करेक्ट आंसर होगा ए अर्थमैटिक मीन विज ओ द फॉलोइंगज अ पोजिशनल एवरेज अपोजिशनल एवरेज की बात करें तो पोजिशनल एवरेज एक पर्टिकुलर पोजिशन की बात कर रहा है जो कि मीडियम मिड वैल्यू है दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी मीडियन नेक्स्ट विज ओ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट नेगेटिव स्क्यूनेस इस क्यूनेस पर भी हमने पूरा डिटेल डिस्कशन क्लास डाला हुआ है अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस होता तो मीन ग्रेटर होता मीडियम से ग्रेटर होता मोड से बट क्योंकि नेगेटिव इसके से है तो जस्ट रिवर्स होगा मोड बड़ा होगा मीडियन से बड़ा होगा मीन से दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट वेन विथ डिक्रीज इन वन वेरिएबल अनदर वेरिएबल डिक्रीजेस एक वेरिएबल के डिक्रीज होने पर दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा तो नो no डाउट ये पॉजिटिव को रिलेशन है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो करेक्ट आंसर होगा ए पॉजिटिव कोरिलेशन नेक्स्ट द मेजर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है तो उसको हम कोरिलेशन बोलेंगे या रिग्रेशन नो डाउट इसको हम बोलेंगे कोरिलेशन सर्कुलर टेस्ट सर्कुलर टेस्ट को कौन कौन सेटिस्फाई करता है सर्कुलर टेस्ट को कभी भी फिशर्स मेथड या लास्परेज मेथड सेटिस्फाई नहीं करते हैं ना पैशेज मेथड सेटिस्फाई करता है तो कौन कौन सा मेथड सेटिस्फाई करेगा ओनली सिंपल एग्रिगेटिव मेथड एंड कैलीज मेथड दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन वेरिएशन टू टोटल वेरिएशन जब आप एक्सप्लेन वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कोईफिशेंट ऑफ डिटमिनेशन की और अगर अनएक्सप्लेन वेरिएशन की बात करते तो हम बात करते हैं ऑफ नॉन डिटमिनेशन की एज पर गिवेन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी वेन द न्यू इंडिसिज आर टू बी स्प्लेसड विद द बेस ईयर ऑफ द ओल्ड इंडिसिस तो ये किसका केस है यह है फॉरवर्ड स्प्लेसिंग का केस नेक्स्ट इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस बाई नीति आयोग यह रिप्लेसड हुआ था टू थाउजेंड फिफ्टीन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इंटू फोर्स इन फर्स्ट ऑफ जनवरी नाइनटीन नाइनटी फाइव दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके साथ डील करता है नो डाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के साथ बट ओनली रिलेटेड टू विजिबल आइटम अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछता तब बहुत विजिबल एंड इनविजिबल होता तो करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्क्लूड्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन इन तीनों के ही लेवल पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द पव नेक्स्ट द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक इज नोन एज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देखो बैंक रेट और कैश रिजर्व रेशियो ये तो अलग है ये तो तब होता है जब हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं क्लियर और कैश रिजर्व रेशियो कब यूज होता है जब हमें मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है जहां आरबीआई लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक्स को और क्यों प्रोवाइड कर रहा है सो दैट ओवरनाइट लिक्विडिटी उनको प्रोवाइड कर सके तो ऐसे इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रेपो रेट दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए क्लियर और यहां पर यह जो लोनिंग होती है ना ये होती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जो 2020 के uh, जो 2020 क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है वो है विच द फ़ॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन है बैंक रेट है सीआरआर है इसके अलावा एसएलआर भी है बट टैक्सेशन नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा डी टैक्सेशन अब हम लोग चलेंगे टू के अब यहाँ देखो 2021 का क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी कॉपी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी यहाँ जा देखो सबसे पहला क्वेश्चन था विच गुडविल इज़ शोन इन द बैलेंस शीट देखो बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल दिखाते हैं बट उसके पहले ये समझ लो कि गुडविल कितने तरह की होती है गुडविल ना हमेशा दो तरह की होती है एक जो आप मार्केट से खरीद करके लाए उसको हम कहते हैं अक्वायर्ड गुडविल मतलब किसी ने अपने बिजनेस की गुडविल बनाई और आपने उससे उसकी बिजनेस के साथ साथ तो उसकी गुडविल भी खरीद ली और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड है ना जैसे मान लो हमारा जो चैनल है सी ए काजल इसके लिए एक जो गुडविल बनी ये क्या है सेल्फ जनरेटेड है ना जो हमने टाइम के साथ इतना टाइम इन्वेस्ट किया इतनी क्लासेस अपलोड की तब जाकर के कहीं मेरे नाम को लोग जान पाए तो वो एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है क्या हम उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं कि उसकी कितनी वैल्यूएशन आएगी कभी भी आप उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते और आप जिस चीज को वैल्यू नहीं कर सकते आप उसको बुक्स में भी नहीं दिखा सकते ठीक है बट जो अक्वायर्ड जो आप मार्केट से गुडविल खरीद के ला रहे हो आपको तो पता है कि आपने कितने पर गुडविल खरीदी है तो उस गुडविल को हम बुक्स में दिखा सकते हैं क्लियर तो क्वेश्चन यही पूछा था कि कौन सी गुडविल हम बुक में दिखाते हैं हम लोग दिखाते हैं अक्वायर्ड गुडविल दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन के पहले मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले का जो प्रॉफिट होता है ना वो हमेशा कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है is, उसको हम कैपिटलाइज़ करते हैं और उसके बाद के प्रॉफिट को नो no डाउट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं स्टैंडर्ड टेन इसका फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि ऑप्शन बी में दिया है नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन इज अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर की बात बताएं तो इसमें बेसिकली हम लोग इनकम और खर्चा मतलब एक्सपेंस और इनकम ही दिखा रहे हैं खर्चा दिखा रहे हैं और जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है वो दिखा रहे हैं तो नो डाउट हम किस तरह के अकाउंट की बात करें नॉमिनल अकाउंट की क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस नेक्स्ट बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज बींग फॉलोड मैचिंग रियलाइजेशन गोइंग कंसर्न मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अब देखो डेप्रिसिएशन क्या है एक तरह का खर्चा है और जब हम बुक्स में रेवेन्यू दिखा रहे हैं हम ये दिखा रहे हैं कि हमें कितने की अर्निंग हुई उसी के लिए हम कंपेरेटिवली एक्सपेंस भी दिखा रहे हैं सो दैट हम करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए तो इस प्रोसेस को या इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड डेप्रिसिएशन हम बुक्स में दिखाते हैं ड्यू टू मैचिंग कन्सेप्ट तो करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट विच रिजर्व अपियर्स इन द बैलेंस शीट रिजर्व फंड स्पेसिफिक रिजर्व जर्नलिज्म ये तीनों ही रिजर्व हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं अंडर रिजर्व एंड सरप्लस तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द पब नेक्स्ट इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म इफ़ अ पार्टनर हैज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी विच लाइबिलिटी शुड बी रीपेट फर्स्ट विथ इट अब देखो अगर आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले तो आपकी प्राइवेट डेट्स को और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ़ करेंगे और होता क्या है ना कि जब फर्म बंद होता है डिजॉल्व होता है तो फर्म की सारे असेट्स को सेल करके हम लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ़ करते हैं अगर कुछ लाइबिलिटीज़ बच जाती हैं फर्म की तब वो प्राइवेट uh, प्रॉपर्टी से पेमेंट की जाती है जो पार्टनर्स की होती है क्लियर बट पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उससे सबसे पहले उनकी लाइबिलिटी पे की जाती है फिर फर्म की लाइबिलिटी पे की जाती है इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ए प्राइवेट लाइबिलिटी नेक्स्ट विच मेथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अब देखो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कौन नहीं कंसिडर करता एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब एज पर गिवेन ऑप्शन ठीक है ये एक सिंपलीफाइड मेथड है और ये कभी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट या कंसिडर नहीं करता इन इवेलुएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्लियर तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट विस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट्स वॉरेंट्स और ट्रेजरी बिल्स करेक्ट आंसर होगा सी वॉरेंट्स नेक्स्ट द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म रिजर्व इन देखो जो टोटल कॉस्ट है उसमें जो फिक्स कॉस्ट जिसको डिनोट कर रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा बी ऑपरेटिंग लीवरेज नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइंस वेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग अब देखो कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज हो रहा है किसकी वजह से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मतलब जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का डिग्री है वो इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है ये इनवर्स रिलेशन कहाँ होता है नेट इनकम अप्रोच में तो करेक्ट आंसर होगा बी विच वन इज़ नॉट फाइनेंस कंपनी अब देखो फाइनेंस कंपनी में एस है एल है म्यूचुअल फंड है भले किसी भी तरीके से फाइनेंसिंग कराओ वन वे ही क्यों ना फाइनेंस कराओ बट फाइनेंसिंग कंपनी है बट नालको की बात करो तो ये गवर्नमेंट कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये एक तरह की गवर्नमेंट कंपनी है जो कि फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा बी नालको इज नॉट एन फाइनेंस कंपनी नेक्स्ट वेन द डेट टर्न ओवर रेशियो इज फोर वॉट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला सिंपल है नंबर ऑफ डेज जो भी आप ले रहे हो नंबर ऑफ डेज मंथ्स और ईयर डिवाइडेड बाई डेट टर्न ओवर रेशो अब क्योंकि हमारे पास जो टर्न ओवर रेशो दिया हुआ है वो फोर दिया है और आंसर में सब मंथ्स है तो हम ये मानेंगे कि डेट ए टर्न ओवर रेशियो क्या है फोर मंथ्स तो नंबर ऑफ डेज में हम लोग नंबर ऑफ डेज नहीं लेंगे नंबर ऑफ मंथ्स लेंगे तो फोर ट्वेल्व मंथ्स डिवाइडेड बाई फोर मंथ्स और आप इसको जब कट करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा थ्री मंथ्स दैट इज करेक्ट आंसर आएगा सी नेक्स्ट द फंड्स अवेलेबल विद अ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड डिस्कॉल्ट जब आप टैक्स का भी पेमेंट कर दे रहे हो डिविडेंड का भी पेमेंट कर दे रहे हो और जो पैसा बच रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग जो कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रखते हो जो कि आप फ्यूचर में कंपनी में अगर कुछ भी आपको कराना है उसके लिए रख रहे हो तो करेक्ट आंसर होगा डी रिटेन्ड अर्निंग नेक्स्ट ओनर्स इक्विटी का क्या मतलब है देखो ओनर्स इक्विटी का मतलब सिंपली जब आप टोटल असेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो तो, जो कि ऑप्शन डी में दिया है नेक्स्ट परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज जर्नली फाइनेंस्ड थ्रू अगर परमानेंट वर्किंग कैपिटल की बात करें ना तो इसको हम हमेशा फाइनेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल में क्या आ जाएगा इक्विटी प्रेफरेंस शेयर डेट लॉन्ग टर्म लोन्स रिटेनड अर्निंग्स एंड सो ऑन नेक्स्ट मास्टर बजट इज अ फंक्शनल बजट ऑपरेटिंग बजट समरी बजट फाइनेंशियल बजट करेक्ट आंसर होगा सी समरी बजट नेक्स्ट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स इज रुपीज थर्टी थाउजेंड एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज फिफ्टीन थाउजेंड नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया है ईपीएस कैलकुलेट करना है तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए थर्टी थाउजेंड एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है फिफ्टीन थाउजेंड यहाँ प्रेफ्रेंस शेयर आप इंक्लूड नहीं करोगे ठीक है तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा टू रुपीज पर शेयर तो करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट सीओ जी एस दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है ठीक है क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है आई टी आर पूछा है कंसिडर वन डे कंसिडर वन ईयर थ्री सिक्सटी फाइव डेज कि एक साल में कितना आपको डेज कैलकुलेट करना है या कितना इंक्लूड करना है थ्री सिक्सटी फाइव डेज अच्छा देखो क्योंकि क्वेश्चन में हमसे आई पूछा था तो अगर हम लोग इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है फिफ्टीन थाउजेंड और एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई टू तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाएगा टेन तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आ गया फाइव टाइम्स ठीक है अच्छा तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए फाइव टाइम्स बट इफ़ इन केस मान लो क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टॉक होल्डिंग पीरियड या पूछता एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री में हम क्या करते थ्री सिक्सटी फाइव डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो लेते जो कि फाइव टाइम्स आया हमारा क्लियर और इसको सॉल्व करके आता सेवेंटी थ्री टाइम्स दैट इज करेक्ट आंसर होता तब बी क्लियर क्योंकि क्वेश्चन में आई टी आर पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा ए फाइव नेक्स्ट Which variance is always adverse? Wage rate variance, overhead variance, idle time variance, material usage variance. अब adverse मतलब नेगेटिव की बात कर रहा है तो नो no डाउट idle time variance होगा क्योंकि idle time मतलब जितने time आप free बैठे हो तो उसके लिए जब आप calculate करोगे तो आपकी value हमेशा क्या आएगी negative आएगी तो correct answer होगा C. Next विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूअल सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट स्पिरट द कॉप्स यूनिटी ऑफ मैनेजर्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अब देखो यहाँ कह रहे हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये तो हमने पढ़ा था ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मतलब सबको हम कहाँ मोटिवेट uh, करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे तो अल्टीमेटली वो अपना गोल तो अचीव कर ही लेगा तो ये तो प्रिंसिपल था स्पिरिट द कॉर्प्स भी था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी था बट यूनिटी ऑफ मैनेजर ये कोई भी प्रिंसिपल नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट ज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू मैनेजर प्लानिंग मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट कंट्रोल साइंटिफिक ऑथॉरिटी का डेलीगेशन बेसिकली क्या है मैनेजमेंट कंट्रोल है करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट वेन मैनेजमेंट पेस अटेंशन टू मोर इंपॉर्टेंट एरियाज एंड वेन द डे टू डे रूटीन प्रॉब्लम लुक्ड आफ्टर बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट मतलब सिंपली क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट फोकस कर रहा है उन प्रॉब्लम्स पे जो कि इंपॉर्टेंट है एंड जो डे टू डे बिजनेस है या रूटीन प्रॉब्लम्स है उनको उन्होंने लोअर लेवल मैनेजमेंट तक रखा है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स ये स्टेटमेंट किसका है मैरी पाकर फॉलेट का दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द जी अब देखो जीएसटी वैसे तो आ, जो पर्सन गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है उसको पे करना पड़ता है बट अंडर रिवर्स चार्ज जो पर्सन रिसीव करता है उसको भी जीएसटी पे करना पड़ता है तो एज़ पर गिवन ऑप्शन पर्सन सप्लाइंग भी करेक्ट है और पर्सन रिसीविंग भी करेक्ट है दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब अंडर जी एस टी इज़ नो डाउट ट्वेंटी एट परसेंट एंड मिनिमम है जीरो परसेंट नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग टैक्सेज लेविएबल ऑन एंड इंट्रा स्टेट अब अगर इंट्रा स्टेट की बात करें तो सी जी एस टी एंड एस जी एस टी और इंटर स्टेट की बात करें मतलब पर्टिकुलरली एक स्टेट से दूसरे स्टेट तब आई जी एस टी लगता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी द पव नेक्स्ट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर फिजिकल डिजेबिलिटी डिडाक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन एट्टी यू इस देखो सेक्शन एट्टी यू में दो तरह का डिडक्शन है एक तो नॉर्मल डिजेबल्ड के लिए सेवेंटी फाइव थाउजेंड है एंड अगर आप सीवियर डिजेबल्ड हो तब वन लाख ट्वेंटी फ़ाइव थाउजेंड है अच्छा ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड है कि अगर आप फोर्टी परसेंट तक डिजेबल्ड हो और अगर आप एटी परसेंट तक डिजेबल्ड हो तब आपको सीवियर डिजेबिलिटी के कैटेगरी में लेकर के आएंगे और आपको डिडक्शन मिलेगा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का क्लियर तो क्वेश्चन में देखो पूछा सीवियर वे डिजेबिलिटी का है और ऑप्शन नहीं दिया हुआ है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ऑप्शन इसका होना चाहिए था वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड या हम ये मान लें कि यहाँ पे फोर्टी परसेंट तक की डिजेबिलिटी की बात कर रहा है तब उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा सी सेवेंटी फाइव थाउजेंड क्लियर नेक्स्ट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फाइव हाउस होल्ड आर दिस एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज आप सिंपली आप हम लोग को मीन कैलकुलेट करने बोले आप पाँचों वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाई फाइव कर देना आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए वन थ्री एट फाइव दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी कोटा सैम्पलिंग बेस्ड नहीं है मीडियन ऑफ द सीरीज़ वैल्यूज़ इज़ अ मीडियन कैलकुलेट करना है और मीडियन बहुत ही सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं ऑड इवन कैलकुलेट करते हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है टेन दैट इज इवन तो जब इवन है तो इवन का फॉर्मूला क्या है इवन का फॉर्मूला है एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन एट टर्म डिवाइडेड बाई टू ठीक है सबसे पहला स्टेप होता है ना कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है हमने यहाँ अरेंज नहीं किया था अब अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले तो देखो ट्वेल्व है ट्वेल्व 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 तीन बार हमारे पास ट्वेल्व की वैल्यू दिया हुआ है फिर उसके बाद नेक्स्ट है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री तो एक दो तीन चार फिर हो गया हमारे पास ट्वेंटी फोर फिर है थर्टी फोर और फिर है फिफ्टी सिक्स तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास टेन आया था तो ये हो गया फिफ्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है ट्वेंटी थ्री सिक्स टर्म भी हमारे पास ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो भी कितना आएगा ट्वेंटी थ्री तो करेक्ट आंसर होगा ए ट्वेंटी थ्री द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ एन वैल्यूज फ्रॉम द रेमैटिक मीन इज नो डाउट जीरो ये सेम प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस की हुई है नेक्स्ट इफ़ मीन इज टेन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज टू पॉइंट फाइव वट इज द कोई इिशियट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अब देखो कोई इफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन और मेरे पास स्टैंडर्ड डिवियशन की वैल्यू है टू पॉइंट फाइव और मीन की वैल्यू है टेन तो सिंपली यहाँ वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी पॉइंट टू फाइव जो कि ऑप्शन बी में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा बी पॉइंट टू फाइव अच्छा एक चीज़ कि अगर इसमें कोई एफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह कोई एफिशियट ऑफ वेरिएशन पूछा होता तब हम मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करते और मेरे पास करेक्ट आंसर आता ट्वेंटी फाइव क्लियर तो गिवन क्वेश्चन का आ, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी पॉइंट टू फाइव द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्पर्जन में क्या क्या चीजें आती है रेंज क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एज पर गिवेन ऑप्शन क्वार्टाइल मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है बेसिकली क्वार्टाइल क्या है मेजर ऑफ पार्टीशन है मतलब पार्टीशन वैल्यूज में इसको कंसिडर किया जाता है तो करेक्ट आंसर होगा ए क्वार्टाइल को रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इस हमेशा नेगेटिव होती है तो करेक्ट आंसर होगा ए नेगेटिव क्योंकि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू एस्टिमेट द अन वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन एज को रिलेशन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोबेबिलिटी और रिग्रेशन नो डाउट रिग्रेशन क्योंकि रिग्रेशन में दो इक्वेशन बनता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एज वेल एज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई जहाँ पे एक वैल्यू हमारी इंडिपेंडेंट है और एक वैल्यू डिपेंडेंट है जर्नली आंट्रप्रेन्योर्स फॉल अंडर दोज मेक थिंग्स हैपन दोज हु वॉच थिंग्स हैपन दोज आर लेफ्ट टू आस्क नो करेक्ट आंसर होगा ए आंट्रप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में चीज़ों को कर करके कर दिखाते हैं नेक्स्ट विच ओ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ आंट्रप्रेन्योर इनोवेशन है रिस्क बियरिंग है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग है करेक्ट आंसर होगा डी कि ये तीनों ही आंट्रप्रेन्योर के फंक्शंस हैं टर्म ग्रीन एंट्रप्रेन्योर इज यूज फॉर इको आंट्रप्रेन्योरशिप दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ये किसने फाउंड किया था मोहम्मद युनिस ने तो करेक्ट आंसर होगा ए हु इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन आई टी इंडस्ट्री देखो एज पर गिविन ऑप्शन ना कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसका करेक्ट आंसर था एफ सी कोहली ठीक है जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद ये सार एक्टिविटीज ये हमने 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी बताया था करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 135 थर्टी फाइव वट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं फिफ्टीन दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन रिक्वायर्स एवरी कंपनी टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करेक्ट आंसर होगा सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन लर्न करना है नेक्स्ट एक्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसज टू गिव इज न्यूली वेटेड डॉटर इन लॉ अ गोल्डन नेकलेस वर्थ रुपीज ट्वेंटी एक्स मेड द प्रॉमिस इन राइटिंग एंड साइंड इट एंड डेलिवर्ड द सेम टू द डॉटर इन लॉ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड माना जाएगा क्योंकि भले यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न नहीं क्योंकि डॉटर इन लॉ तो कुछ भी नहीं रिटर्न कर रही है ना बट क्योंकि ये एक्सेप्शन था कंसिडरेशन का एज पर सेक्शन ट्वेंटी तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम मानेंगे वैलिड असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टेक्स प्लेस बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज बाय द विल ऑफ अदर पार्टी वेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट बाय द डेथ ऑफ अ पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अब असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये कब होता है ये होता है जब किसी पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट में मतलब जैसे ए और बी दो पार्टी हैं दोनों में से किसी की डेथ हो जाए तो उस केस में वो अपने ऑपरेशन ऑफ लॉ को असाइन कर सकते हैं बट असाइनमेंट के भी बहुत सारे रूल्स हैं वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बट सिंपली जहाँ हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हम डिस्कस किए थे ना वहाँ इस टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विथ रेसिडेंट ऑफ एन एनिमी कंट्री अब देखो अगर आप एनिमी कंट्री uh, जो आपकी कंट्री के खिलाफ लोग हैं उनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें ना तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम हमेशा इलीगल मानते हैं दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा ए द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द सी एन ए जी और उसका रेम्युनोरेशन जो अपॉइंट कर रहा है वो कौन है सी एन ए जी और उसका रेम्युनोरेशन कौन फिक्स करेगा शेयर होल्डर्स नेक्स्ट द वर्किंग पेपर्स विच ऑडिटर प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स आर एविडेंस फॉर ऑडिट कंक्लूजन्स ऊंड बाय द क्लाइंट ऊंड बाय द ऑडिटर जो वर्किंग पेपर हम लोग ऑडिट के टाइम बनाते हैं ना ऑडिटर्स वो बेसिकली किससे बिलोंग करता है ओनली फ्राम ऑडिटर्स तो करेक्ट आंसर होगा सी हु कैन कंडक्ट टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट या कोई भी ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी विच वन इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ वाउचर्स रिक्विजिशन स्लिप काउंटर फॉइल पे स्लिप और कैश मेमो अगर कैश मेमो की बात करें ये इंटरनल सोर्स ऑफ वाउचर्स नहीं है नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड आप ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये किससे रिलेटेड है अगर हम पब्लिक की बात करें तो ये रिटेलिंग सिस्टम से रिलेटेड है नेक्स्ट विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी सोशोलॉजी ये सभी रीड करना पड़ता है फॉर कंज्यूमर बिहेवियर नेक्स्ट वट इज़ कंज्यूमर वैल्यू और कस्टमर वैल्यू रेशियो बिटवीन द कस्टमर्स परसीव बेनिफिट्स एंड रिसोर्सेज यूज टू ऑप्टेन दीज बेनिफिट्स एक्सेज ऑफ सैटिस्फैक्शन ओवर एक्सपेक्टेशन पोस्ट परचेज डिनोनन्स और नन ऑफ द बफ करेक्ट आंसर होगा ए ये जो रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हो कस्टमर्स परसिव्ड बेनिफिट्स एंड द रिसोर्स यूज टू ऑपटेन दीज बेनिफिट्स कमोडिटी इज यूज फॉर मल्टीपल पर्पजेज दैन द डिमांड फॉर इट इज नोन एज कंपोजिट डिमांड ऐसी डिमांड को हम क्या कहते हैं कंपोजिट डिमांड नेक्स्ट वेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन हम बता रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट लेस होगा एवरेज कॉस्ट से जब तक एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा एंड मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से जब एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होगा राइज होगा क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कराए तो नो डाउट मार्जनल कॉस्ट क्या होगा मस्ट भी बिलो एवरेज कॉस्ट दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट किंग डिमांड कर्व ये किससे रिलेटेड है हमने बताया भी था लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था 2020 uh, के क्वेश्चन पेपर पे वहाँ हमने बताया था कि किंग डिमांड कर्व किससे रिलेटेड होता है ओलिगोपोली मार्केट से इन परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व ओ वो फॉर्म कैसे बनता है परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा पैरल टू तो एक्सिक्स बनता है दैट इज हॉरिजोनटल बनेगा दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट If price of any commodity decreases by 20% and the demand for that commodity increases by 40%, then elasticity of demand would be. अब देखो अगर elasticity of demand की बात करें या हमारा price कितने से decrease हो रहा है 20% से but demand increase हो रहा है by 40% तो यहाँ हमारा ED क्या हो जाएगा greater than वन that is highly elastic. और elasticity of demand पर हमने पूरा detailed discussion class डाला हुआ है Which of the following is not a method of pricing raw material issues from stock? Standard costing, unit costing, marginal costing, or continuous weighted average. Now, if we talk raw material, ki प्राइसिंग की बात करें जहां हम लोग फीफो मैथड लिफो मेथड यूज़ करते हैं तो कॉन्टीअस वेटेड एवरेज मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड है यूनिट कॉस्टिंग है बट मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज नहीं करते क्योंकि वहां हम लोग हमेशा एक यूनिट की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा सी वे जो द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सुपरवाइजर सैलरीज इन द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द पेरोल अकाउंटिंग सेक्शन अ बोनस पेड टू द स्टोर मैन द वेजेस ऑफ द लेबर अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करें तो वेजेस ऑफ लेबर होगा क्योंकि वो डायरेक्टली एलोकेटेड होगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक्सपाइज एड लिमिटेड अ लेबर इंटेंसिव असेंबली डिपार्टमेंट विच आर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अब्जॉर्बिंग ओवर इट इज लाइकली टू यूज फॉर दैट डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर आवर्स मेथड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अ परसेंटेज ऑफ प्राइ प्राइम कॉस्ट अब क्योंकि लेबर इंटेंसिव असेंबली है तो उस केस में आप ओवरहेड को ऑब्जॉर्ब करने के लिए आइदर डायरेक्ट लेबर आर यूज़ करोगे या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूज़ करोगे प्रेफर करते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स जब भी हम ओवर को ऑब्जॉर्ब करने की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा ए विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इंटरेस्ट रिसीव इज यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है वेरिएबल कॉस्ट दिया है सेलिंग प्राइस दिया है आउटपुट लेवल दिया है व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर देख लेते हमारे पास ऑप्शन जो दिया है उस हिसाब से आउटपुट लेवल कितना है सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड सेलिंग प्राइस कितना है फिफ्टीन तो सिंपली सबसे पहले आप क्या निकालोगे सेल्स निकालोगे और सेल्स कैसे निकलेगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन मतलब जो हमारी सेल्स आएगी वो आएगी लेवन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इसमें से हम लोग माइनस करेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो कि है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसको हमने नाम दिया है कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड तो जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगा प्रॉफिट दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट हु मैनेजेस द इंटायर बुक बिल्डिंग प्रोसेस मर्केंट बैंक एनी कमर्शियल बैंक आरबीआई या कंपनी इट्स सेल्फ अच्छा जो पूरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस है उसको बनाया गया है बाय मर्केंट बैंक दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट विच स्कीम गिवस द एम्प्लॉज ऑफ द कंपनी टू रिसीव बेनिफिट ऑफ ऑफर ऑफ शेयर्स एज पार्ट ऑफ पब्लिक इशू जब आप इम्प्लॉयज़ को आ, उनके स्वेट के बदले उनके पसीने के बदले कंपनी के शेयर्स इशू करते हो नॉमिनल रेट पर तो उसको हिस ऑप कहते हैं दैट इज इम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम बट यहाँ कह रहा है कि आप शेयर्स ऑफर कर रहे हो किन को इम्प्लॉयज़ को और वो भी पब्लिक इशू के पार्ट के तौर पर तो उसको हमने नाम दिया है एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज स्कीम दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट इन विच अकाउंट द एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर इशूड शुड बी ट्रांसफर्ड इफ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द डेट ऑफ अलॉटमेंट अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ और अलाटमेंट के पहले ही बैलेंस शीट अगर बन जाती है तो शेयर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट और शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट नो डाउट अगर अलॉटमेंट के पहले बैलेंस शीट बन गई तो शेयर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट में जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र की जाएगी तो करेक्ट आंसर होगा ए एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का विच अमंग द फॉलोइंग कान बी यूज फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पेमेंट ऑफ डिविडेंड राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसि रिडमशन ऑफ प्रेफरेंस प्रेफरेशर्स ऑन प्रीमियम और बाय ऑफ शेयर लास्ट तीन के लिए तुम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकते हैं बट डिविडेंड के पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिविडेंड के पेमेंट के लिए ओनली फ्री रिजर्व आप यूज़ करते हो तो करेक्ट आंसर होगा ए पेमेंट ऑफ डिविडेंड अब जो लास्ट हमारे पास पेपर है वो है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन पेपर और इसका हमने सिर्फ आंसर की ही डिस्कस किया था हमने सिर्फ आंसर की बता दिया था हमने डिटेल डिस्कशन क्लास नहीं डाली थी तो यहाँ अब हम लोग पूरे सेवेंटी क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन भी देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड इज ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है मिनिमम टू है और मैक्सिमम हमेशा कितना होगा टू तो करेक्ट आंसर होगा ए टू नेक्स्ट द कंपनीज़ नेशनलिटी इज डिसाइडेड बाई इट्स शेयर होल्डर्स प्लेस वे बुस ऑफ अकाउंट्स आर केट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस नन ऑफ द अब बट ऑफिस अगर नेशनैलिटी की बात करें तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट अ कंपनी फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट पास आइदर बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड चार्टड कंपनी गवर्नमेंट कंपनी स्टैटोरी कंपनी और प्राइवेट कंपनी अगर सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी कंपनी के एक्ट को पास किया है तो मतलब वो कंपनी मैंडेट्रिल बननी ही थी दैट इज़ ए स्टैटरी कंपनी है तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट विच न्यू टाइप ऑफ कंपनी और कंपनीज वॉज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज़ एक्ट 2013 में ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनमें एक वन पर्सन कंपनी है एसोसिएट कंपनी भी है और स्मॉल कंपनी भी है दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द बव कि ये तीनों ही कॉन्सेप्ट कंपनीज़ एक्ट टू में लॉन्च किए गए हैं इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू टर्म द टर्म क्विट प्रो क्यू इज़ अपलाइड इन रिलेशन टू क्विट प्रो क्यू मतलब समथिंग इन रिटर्न और जब हम बात करते हैं समथिंग इन रिटर्न कुछ भी मिले जैसे अगर मान लो हम अपनी एक लाख की घड़ी बेच रहे हैं और उसके बदले हमें दस रुपये भी मिल रहा है तो इसको भी आप क्या बोलोगे समथिंग इन रिटर्न तो क्विट प्रो क्यू का मतलब क्या हो गया समथिंग इन रिटर्न और ये किससे रिलेटेड है कंसिडरेशन से तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट

ही मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स ये कॉन्सेप्ट किस से रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से रिलेटेड है नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियलिय मैनेजमेंट इज देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना भी है शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना भी है बट सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्माइज करना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है अलोकेशन ऑफ फंड है मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न है बट मैन्यूवरिंग द शेयर प्राइस उनका काम शेयर प्राइस से रिलेटेड नहीं होता है तो करेक्ट आंसर होगा डी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रुपी रिसिवेबल आफ्टर वन ईयर अगर आज एक रुपये की बात करें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जो कि रिसिवेबल है आफ्टर वन ईयर वो एक रुपये से तो ज़्यादा ही होगी तो करेक्ट आंसर होगा ए द मिनिमम अमाउंट कॉल्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ शेयर के टाइम जो मिनिमम अमाउंट कॉल्ड अप होती है वो होती है फाइव परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट विच ऑर द फॉलोइंग द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू ब्रोकरेज पब्लिक शेयर मार्केट और टैक्स अब इनसाइडर ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है शेयर मार्केट से तो करेक्ट आंसर होगा सी विच मेथड ऑफ़ वैल्यूएन ऑफ शेयर इस बेस्ड ऑन द क्वेश्चन वट एन इक्विटी शेयर शेयर होल्डर विल रिसीव इफ द कंपनीज इंटू लिक्विडेशन मान लो कि अगर कंपनी कल को झूठ मूट बंद हो जाती है तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा इसी को हम कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू मैथड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन रुपी इन्वेस्टेड टूडे आज जो एक रुपये आपने इन्वेस्ट किया है उसकी फ्यूचर वैल्यू हमेशा इक्वल होगी किसके प्रेजेंट वैल्यू के नेक्स्ट विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड न्यू इक्विटी शेयर्स न्यू प्रेफरेंस न्यू डेट्स और रिटेनड अर्निंग्स तो इक्विटी शेयर सबसे एक्सपेंसिव सोर्स माना जाता है क्यों क्योंकि इनको आपको डिविडेंड तो देना ही होता है अगर कंपनी के पास सफिशियंट फंड है एंड जो प्रॉफिट है उसमें भी हिस्सा देना होता है तो करेक्ट आंसर होगा ए न्यू इक्विटी शेयर्स बाकियों का क्या होता है कि रेट फिक्स होता है इंटरेस्ट फिक्स होता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सिंस फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन थर्टी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आर क्वालिटेटिव पूछा है मॉरल स्वेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और राशनिंग ऑफ क्रेडिट पहला तीसरा और आखिरी ये तो क्वालिटेटिव टेक्निक है बट ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्वान्टिटेटिव टेक्निक है तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैज इट्स इंडेक्सड नेम्ड सेंसेक्स बी एस सी दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट आपको फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट को मैच करना है अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से रिलेटेड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होता है कि सेल्स में से जितना ब्रेक इवन सेल्स होता है जब आप उसको माइनस कर देते हो तो उसके ऊपर की जो भी सेल्स आती है उसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि वो आप प्रॉफिट अर्न कर दो तो सेकेंड का मैच uh, होगा सेकेंड एंड रेशियो एनालिसिस ये यूज्ड होता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग के लिए एंड जे आई टी दैट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम ये इन्वेंट्री कंट्रोल है तो करेक्ट सीक्वेंस होगा ए नेक्स्ट आइडेंटिफाई द आइडियल लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो अमंग द फॉलोइंग आइडियल जो रेशियो है वो है वन इज टू वन जो कि ऑप्शन सी में दिया है नेक्स्ट द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड विथ ईच डिपार्टमेंट ईच यूनिट ऑफ आउटपुट ईच यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ ही हम डायरेक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं सो so दैट हम उसके लिए ईजिली प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकें तो करेक्ट आंसर होगा बी एग्रीगेट ऑफ ओल्ड डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा डायरेक्ट रॉ मटेरियल आएगा डायरेक्ट लेबर आएगा एंड डायरेक्ट ओवरहेड आएगा जिसको हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं तो इन तीनों को टोटल करके क्या आता है प्राइम कॉस्ट एंड हमने कॉस्ट शीट पे बहुत डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड की गई है कैपिटल इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन कम्पलायंस विद विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आप कैपिटल शो करते हो लाइबिलिटी साइड क्यों शो करते हो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं तो करेक्ट आंसर होगा बी एंटिटी नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग इज़ अ अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग लगा है किसके पहले किसी एक्सपेंस के पहले या किसी इनकम के पहले आप अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग अक्रूड अनअक्रूड या प्रीपेड टर्म यूज कर रहे हो तो उस केस में उसको हम मानते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो कि ऑप्शन सी में दिया है विच ओ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इनटानजेबल एसेट देखो टैंजिबल असेट पे जब हम लोग वैल्यू डेप्रिशिएट करते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन टर्म देते हैं और इनटांजेबल असेट के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं अमर्टाइजेशन जो कि ऑप्शन डी में दिया है नेक्स्ट डिस्काउंट फॉर क्विक पेमेंट ऑफ डेट इज़ नॉर्मली रिफर्ड टू एज जनरली आप अपने कस्टमर को ऑफर करते हो कि अगर आप तुरंत कैश का पेमेंट कर रहे हो तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे और उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट नेक्स्ट डैश इज़ अ प्रोग्रेसिव टेस्ट कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स इनकम टैक्स डेवलपमेंट सरचार्ज नो डाउट इनकम टैक्स क्योंकि इनकम टैक्स में ये रूल होता है ना कि जो जितना ज़्यादा अर्न करा है उससे उतना ज़्यादा चार्ज किया जाता है इन द इनकम टैक्स एक्ट डैश इज अ सर्टिफिकेट दट एन एम्प्लॉयर गिवस टू हज इंप्लॉय इट अ सर्टिफाइज अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय द इम्प्लॉय फ्रॉम द सैलरी ऑफ द इम्प्लॉय देखो इम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है उसमें से अगर वो सैलरी लिमिट के बियॉन्ड है तो उसमें से टी डी एस करता है टैक्स डिडक्टेड दैट सोर्स बेसिकली क्या होता है ना कि उस सैलरी में से एडवांस में आप टैक्स कट कर देते हो कौन टैक्स कट करता है एम्प्लॉयर और वो गवर्नमेंट को जमा कर देता है डिपॉजिट कर देता है तो इसके लिए भाई आपको एक सर्टिफिकेट भी तो इम्प्लॉय को देना होगा सो दैट इंप्लॉय का माइंड सेट रहे कि हाँ उसको जो टोटल सैलरी है उसमें से कितना अमाउंट एस टी कटा है और वो किस में मैंशन होता है फॉर्म सिक्सटीन में तो करेक्ट आंसर होगा ए अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर्टीन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर नो डाउट फाइव पहला है सैलरी फिर है हाउस प्रॉपर्टी फिर है कैपिटल गेन Uh, फिर है पी जी बी पी दैट इज़ प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड लास्ट हमारे पास अदर सोर्सेज जो कहीं नहीं आएगा वो अदर सोर्सेज पे आता है नेक्स्ट इज जी एस टी एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट अबाउट जी एस टी इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स येस कोरम ऑफ द जीएसटी काउंसिल शुड बी फिफ्टी परसेंट ये भी करेक्ट है क्योंकि अगर हम लोग जीएसटी के कोरम की बात करें तो कम से कम एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए तो करेक्ट आंसर होगा सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी एस काउंसिल ऑफ इंडिया इज फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी अ पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ कंपनी ऑडिटर इज अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स अ बॉडी कारपोरेट एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज होगा क्योंकि अगर हम लोग कंपनी ऑडिटर की या किसी भी ऑडिटर की बात करें तो वो कौन होना चाहिए वो होना चाहिए एक चार्टड अकाउंटेंट टेस्ट चेकिंग रिफर्स टू चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टेस्टिंग ऑफ ऑनिस्टी ऑफ द एम्प्लॉज इंटेंसिव चेकिंग ऑफ अ सेलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टेस्ट चेकिंग मतलब क्या होता है कि आप कुछ ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करते हो और उसको डीपली चेक करते हो तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट द फ्रेमवर्क फॉर एस्टाब्लिशिंग गुड कॉरपोरेट गवर्नेस एंड अकाउंटेबिलिटी वॉज ओरिजिनली सेटअप बाय द देखो इसका करेक्ट आंसर कहीं राउटरी कमेटी दिया है कहीं थोनटोन कमेटी दिया है तो करेक्ट आंसर बी या सी में से कोई एक होगा बट इसके स्किल श्योर नहीं है नेक्स्ट एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ये जो एफ डब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये आती है अंडर क्लासिकल थ्योरी नेक्स्ट द टर्म एम बी ओ दैट इज मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव वॉज फर्स्ट Outlined by whom in 1954 in his book The Practice of Management? Correct answer D. Peter Drucker. Next, who applied the worm entrepreneur to business for the first time? Richard Cantillon. Correct answer UPI, that is Unified Payment Interface, is a single window mobile payment system developed by National Payment Corporation of India, that is correct answer A. NPCI. हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट्स आइदर सेंट्रल और स्टेट एंड लार्ज कॉरपोरेशन एज अ मीन्स ऑफ बोरोइंग फंड्स आर कॉल्ड कैपिटल सिक्योरिटीज प्रोविडेंट फंड सिक्योरिटीज गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ़ फ्री इकनॉमी फ्री इकनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकनॉमी की हम बात कर रहे हैं द प्राइज आर रेगुलेटेड द प्राइजेज आर पार्टली रेगुलेटेड द प्राइजेज आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यही करते हैं ना कि जहाँ डिमांड सप्लाई मीट करता है उसी को हम कहते हैं इक्ुबरम प्राइस और उसी प्राइस को हम लोग यूज़ करते हैं विजोद ऑफोइंग इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर प्राइजिंग और नेशनल इनकम नेशनल इनकम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है बट अगर हम लोग फैक्टर प्राइजिंग की बात करें किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर जैसे लैंड लेबर कैपिटल एंट्रप्रेन्योर तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स तो करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू तो द लाइनल चार्ल्स रॉबिन्स चार्ल्स रॉबिन्स का कहना था कि जो मीन्स है मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनकी स्केरसिटी है करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट इन विच इकोनॉमी डू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मेक फ्री चॉइसेस बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मार्केट इकोनॉमी ये बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज रिसोर्सेज की बात करें तो नो no डाउट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें क्योंकि इंडिविजुअल पॉइंट पे डिस्कशन होगा तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की है रीड कर लेना नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग फ्रेजेज जनरली डिनोट नेशनल इनकम नेशनल इनकम किस को डिनोट करेगा एन एंड पी एफ सी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्क्राइब सिचुएशन ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए यूज किया जाता है तो करेक्ट आंसर होगा ए द गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज बाय लो इन्फ्लेशन स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ लर्न कर लेना करेक्ट आंसर होगा सी इंडियन इकनॉमी विच अमंग द फॉलोइंग कैन भी मेजर्ड बाई कैलकुलेटिंग कंसनट्रेशन रेशियोज अगर आप कंसनट्रेशन रेशियोज की बात करोगे तो उसको कैलकुलेट करके हमें कॉम्पिटिशन का पता चलता है तो करेक्ट आंसर होगा बी द इंडियन इकनॉमी हैज़ बिन प्रोजेक्टेड टू ग्रो हाउ मच पर्सेंट इन द करेंट फिस्कल एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक सेवन पॉइंट फाइव परसेंट नेक्स्ट हु गेव द कॉल फॉर एवर ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन नेक्स्ट द प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी ये लोकेटेड है न्यू डेली में तो करेक्ट आंसर होगा डी इफ द कैश रिजर्व रेशियो दैट इज़ सी आर आर इज़ लोअर्ड बाय द आर बी आई तो इस केस में वो क्या करें अगर उसको कम कर रहे हैं तो ये कमर्शियल बैंक के पास पैसे बढ़ जाएंगे फ्लो बढ़ जाएगा मनी का और वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएगा इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल बी टू इंक्रीज इट नेक्स्ट विच बैंक इज नोन एज अ बैंकर ऑफ द गवर्मेंट नो डाउट आर बी आई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं नेक्स्ट हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न स्टेटिस्टिक्स आर ए फिशर फॉर कैल्कुलेटिंग द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन विच एवरेज वुड यू यूज जहाँ हम बात करें एवरेज ग्रोथ रेट की तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे और ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी अपने क्लास में डिस्कस किया हुआ है द अर्थमैटिक मीन ऑफ टेन ऑब्जर्वेशन इज थर्टी दो आइटम उसमें गलत हैं और तो आपको करेक्ट मीन बताना है सबसे पहले तो आपके पास मीन की वैल्यू दी है समिशन एक्स नहीं दिया है एन दिया है मीन कितना दिया है थर्टी इज इक्वल टू समेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन तो हमारे पास समिशन एक्स कितना आ जाएगा थ्री हंड्रेड अब देखो मेरे पास जो समिशन एक्स आया वो कितना आया थ्री हंड्रेड कह रहा है कि सेवेंटी फोर एंड फिफ्टीन वे रॉन्गली रिटर्न एज फोर्टी सेवन एंड फिफ्टी वन तो फोर्टी सेवन गलत है फिफ्टी वन गलत है और करेक्ट कितना होना चाहिए सेवेंटी फोर एंड फिफ्टीन तो 300 में से आप 47 माइनस करो 51 माइनस करो और ऐड कर दो 74, 15 तो आपका जो समेशन एक्स का करेक्ट आएगा वैल्यू वो आएगा 291 मतलब करेक्ट समेन एक्स कितना है 291 तो क्या अब हम मीन निकाल सकते हैं हाँ निकाल सकते हैं 291 नाइन्टी वन दो ऑब्जर्वेशन लेस किया दो ऑब्जर्वेशन ऐड किया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रह जाएगा टेन और अब मेरे पास करेक्ट मीन कितना आएगा ट्वेंटी जो कि ऑप्शन सी में दिया है नेक्स्ट द मिटल आइटम ऑफ अ सीरीज ऑफ आइटम अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज मीडियम क्योंकि मीडियम को अगर कैलकुलेट करना है तो पहले आपको सीरीज को अरेंज करना होता है आदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विच मेजर ऑफ सेंट्रल डेंडेंसी आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ अ सीरीज नो डाउट मीडियम एंड मोड क्योंकि मीडियम मतलब मिड वैल्यू हो गया तो आप अगर एक एक वैल्यू हटा भी दे रहे हो कॉर्नर से एक्स्ट्रीम ऑब्जर्वेशन से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मोड मतलब क्या होता है हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी तो करेक्ट आंसर होगा डी मीन में तो हम सारे ऑब्जर्वेशन को एडॉन करते हैं हुज इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कारपियर्सन विच मेजर विल बी द बेस्ट टू रिपोर्ट द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ड्यूरिंग समर देखो समर में जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है उसके लिए रेंज सबसे अच्छा होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट तो करेक्ट आंसर होगा बी रेंज टू विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन टू इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्डेंट्स फोकस ग्रुप्स एंड पैनल्स ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स बिलोंग प्राइमरी डेटा सोर्सेज ये सब क्या है प्राइमरी डेटा है नेक्स्ट द टर्म मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस विच एम्स एट सैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड मार्केटिंग का हमेशा मोटिव होता है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग फ़िलिप कोटलर दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट विच ऑर द फॉलोइंग सेट्स रीप्रेजेंट्स फोर सीज ऑफ द मार्केटिंग मिक्स पहला है कस्टमर सोल्यूशन फिर ए कॉस्ट फिर ए कन्वीनियंस फिर ए कम्युनिकेशन तो करेक्ट आंसर होगा ए डैश इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द फर्म एंड कंज्यूमर फर्म एंड कंज्यूमर के बीच में जो कनेक्शन बनता है वो होता है प्रमोशन दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट इन पेनीट्रेशन प्राइजिंग अ बिजनेस फॉर्म सीक्स टू असेस डीप मार्केट पेनिट्रेशन बाई कीपिंग प्राइजेस हाइयर कॉम्पिटेटिव लो फ्लेक्सीबल आप अगर लो प्राइज रखोगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर कर पाओगे द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चर इंक्लूड करता है रिटेलर्स भी करता है होल सेलर्स भी करता है बट रेगुलेटर्स को इंक्लूड नहीं करता तो करेक्ट आंसर होगा डी और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वैल्यू इज स्ट्रागर देन स्टील इज अ टैगलाइन ऑफ टाटा स्टील अब देखो ये ओवरऑल 2020, 21 एंड 22 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन था किसी भी क्वेश्चन में अगर अभी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो हमने व्हाट्सएप की लिंक एज़ वेल एज़ टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है टेलीग्राम पर आपको तीनों साल का पेपर मिल जाएगा अच्छा हमने ओडिशा सी के लिए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज अनाउंस कर दी है अगर आप टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड जो भी स्टूडेंट ओडिशा से ई टी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं हमने उनके लिए ऑलरेडी एक प्ले बनाई हुई है साथ ही साथ हमने एम से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और तो सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं जो कि आपके लिए इक्वली रिलेवेंट है एंड कुछ यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हमने अपडेट किए थे चैनल पर उनके लिए भी एक प्ले बना दी है वो सारे क्वेश्चन पेपर्स भी आप लोगों के लिए इक्वली रेलिवेंट है तो सबकी सारी जितनी भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उन सारी प्ले लिस्ट को आप अच्छे से कवर कर लेना सो so दैट आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े साथ ही साथ आप हमारे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना सो so दैट आपको एग्जाम के पहले एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल सके जहाँ आप टेस्ट दे सकूँ टेस्ट देने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा ना कि एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे नाइन्टी uh, मिनट्स में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटम्प करने हैं किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है किस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है एक ओवरऑल उससे आइडिया लग जाएगा क्योंकि टेस्ट में आपको पी मिलेगा डिस्कशन सेशन क्लास मिलेगा एज वेल एज आपका रिजल्ट डिटेल में मिलेगा ठीक है अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच